มาดึกให้ก่อนมุขวันสวรรค์ชักศรีมหาชกุมารจีYahan par pradarshini mein jinke chitra lage hain aise sare chitrakar chhaya chitrakar aur patrakar mitra bhai aur behno waise ab mujhe उत्तर प्रदेश में आकर 6 महीने हो गए। लखनऊ में भी घुमा हूँ, थोड़ा थोड़ा बाहर भी जाता हूँ, लेकिन उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और सब जगह पर जाने के लिए मुझे तो लगता है और भी शायद 6-8 महीने लगेंगे, तब मैं उत्तर प्रदेश के हर जिले में गया ऐसा कह सकूंगा। लेकिन 6 महीने का कार्यकाल भी एक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत बड़ा है और उसमें मैंने लखनऊ में जो देखा वह अप्रतिम है। पहले सुनता था कहानी कि लखनऊ कला नगरी है, लेकिन इसका अनुभव मैं ले रहा हूं कि यहाँ नृत्य भी चलता है, नाटक भी चलता है, किताबों के मेले भी लगते हैं और अलग अलग प्रकार के मेले लगते हैं। कभी कभी मन में ये भी आता है कि ये सब जब शाम को चलता है तो लखनऊ के लोग काम कब करते हैं? ऐसे कलाशक्त लोग, यहाँ के अखबार भी हैं, फिर जागरण हो, अमर उजाला हो या हिंदुस्तान हो, वो कोई बोलते हैं मस्ती का रास्ता है और धूम मचाने के लिए सब लोगों को रास्ते पर भी इकट्ठा करते हैं। ऐसे में चित्रकारों के प्रदर्शनी का भी अपने आप में एक महत्व है और ये ऐसे समय पर आ रहा है जब एक दृष्टि से देखा जाए तो निसर्ग में वसंत पंचमी के बाद वसंत ऋतु आता है, फूलों के कोई भी बगीचा में जाए तो फूल ही फूल दिखते हैं। ऐसे में निसर्ग से जुड़ने वाला ऐसा ये प्रदर्शन मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन मुझे बताया गया तो हुई है कि निसर्ग और पंखी इनको जोड़ने वाला इस प्रकार का ये प्रदर्शन है और जब देखूंगा तब मुझे विश्वास है कि जो मुझे आयोजकों ने बताया वही मुझे देखने के लिए मिलेगा। मनुष्य सुसंस्कृत कब होता है और मनुष्य जब सुसंस्कृत होता है तब बोलने से लेकर और कलाएं जितनी अच्छी जानता है, फिर बोलने की कला हो, लिखने की कला हो, नृत्य कला हो, संगीत कला हो, चित्र कला हो, शिल्प कला हो, ये जिस देश में ये सांस्कृतिक धरोहर होती है वहां पर हमको ये देखने के लिए मिलता है। तो ये आज का चित्र हो या खजुराहो को यहाँ कभी कभी चर्चा चलती है कि इतने सुंदर चित्र कब निकाले होंगे, उसका जो कार्यकाल है वो सही है नहीं है, कई प्रकार की चर्चा होती है। या हम शिल्प के भी अलग अलग नमूने देखते हैं तो लगता है कि अपनी सांस्कृतिक धरोहर दुनिया के अन्य देशों से बहुत समृद्ध है
और ऐसे में मैं मानता हूं कि चित्रकला और शिल्पकला ये दो बेजोड़ कला है कि वो आसानी से सबको नहीं आती है। यानी हाथ में ब्रश लिया जाए ये ठीक है, सामने रंग भी हो तो भी ठीक है, लेकिन हाथ कैसा घूमता है। मैं आपको मेरा उदाहरण चाहे तो बता देता हूँ। मैं जिस स्कूल में पढ़ा उन दिनों में जब देश आजाद नहीं हुआ था तो छोटे छोटे स्टेट्स होते थे, रियासतें हम बोलते हैं, तो महाराष्ट्र में सांगली जिले में एक रियासत थी औंध की रियासत। उस राजा को चित्रकला का बहुत अच्छा ज्ञान था और वो सूर्य नमस्कार भी चाहते थे। तो हमारे स्कूल में पहला पीरियड सूर्य नमस्कार डालने का होता था और स्कूल में शिक्षण इस प्रकार का कि ड्राइंग के परीक्षा के लिए बैठना ही चाहिए, फिर एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट ये बैठे, पास हो न हो कोई चिंता नहीं, लेकिन परीक्षा के लिए बैठना चाहिए। वैसे मेरे पिताजी हाई स्कूल में हेडमास्टर थे और वैसे पढ़ाई में तो मैं होशियार था, लेकिन ये चित्रकला अपने को कुछ नहीं जमता था। तो एलिमेंट्री में जब परीक्षा आई तो मेमोरी में एक चित्र निकालने के लिए आया कि वो जो कहानी है ना कि एक दर्जी होता है, एक गांव से दूसरे गांव जाता है, टोपी बेचता है, और एक गांव से दूसरे गांव जाते समय दोपहर की धूप लगी, भूख लगी तो पेड़ के छाया में बैठ जाता है और थोड़ा सो भी जाता है, और पेड़ पर बंदर होते हैं वो इसके सर पर की टोपी देखते हैं और वो पेटी में से टोपियाँ लेके डालते हैं और फिर वो जब उठ जाता है तो फिर उसको पता चलता है। तो ये मेमोरी में निकालने के लिए आया, पेड़ निकालना आसान होता है, ऐसा ऐसा किया तो पेड़ हो जाता है, उस पर बंदर भी कोई ब्रांच पर लगाया तो बंदर का कोई मुंह दिखाना नहीं पड़ता, एक पूंछ दिखाई और थोड़ा ऐसा गोल किया तो बंदर लंबे से और कुछ देखने नहीं, लेकिन जो पेड़ के नीचे सोया था आदमी, वो सो आदमी जो सोता है तब उसके आँख जरा अलग प्रकार के होते हैं, खुले होते हैं तो खुले आँख निकालना आसान होता है, लेकिन बंद आँख निकालना। अब मैंने 2-3 दफे कोशिश की, फिर रबर का इरेज करते करते वो इंस्पेक्टर ने मुझे कहा यार कागज फटने आया है कितना इरेज करोगे। तो फिर उस समय पर मुझे आइडिया आया, तो मैंने आइडिया इसी निकाली कि एक चद्दर लिया और उसको पैर से आखिर तक छाया और फिर पैर का अंगूठा मैंने दिखाया और मैं एलिमेंट्री मेमोरी पास हो गया। तो ये बात मैंने चित्रकला बचपन से, लेकिन वो हमारा जो राजा था उस राजा में पहले दफे सारा रामायण चित्र रामायण करके निकाला। आज इतिहास के जो अलग अलग चित्रकला के इतिहास के पन्ने हैं उसमें उस चित्र रामायण की भी कई बातें कही जाती है। तो ऐसे में जिन कलाकारों ने अपने हाथ की कला से निसर्ग और निसर्ग के साथ पक्षी, वो इनविटेशन कार्ड देकर ही तो कहाँ गए कार्ड है, कार्ड वही है तेजा तेरा तुझको अर्पण। ये जो कुछ लोग कहते हैं ना गंगा में जाते हैं तो गंगा का पानी लेकर गंगा को एक गंगा अर्पण कहते हैं, वैसे कृष्ण ने उसके पास का मोर का ये दे दिया। लेकिन ये कहना आसान है, लेकिन चित्रकला में जिस प्रकार से दिखाया है वो अपने यहाँ बेहतरीन है। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे चित्र आज तो मुझे जल्दी जल्दी देखने ही पड़ेंगे क्योंकि सब देखना है, लेकिन एक आनंद होता है कि बादल दिखाना है तो बादल भी कैसा होता है और जीवन का निसर्ग। अच्छा निसर्ग क्या, और एक बात है, हमारा हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है, अलग अलग देश है,
लेकिन पक्षियों के लिए कोई देश नहीं है, वो हवा जो जीवन है, मौसम है, उसके यहाँ से निकलते हैं, फिर रूसिया से, रूस से निकले और साइबेरिया से निकले, वो भारत में आते हैं, उनको कोई रास्ता दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो जैसे हवाई जहाज में भी रास्ता दिखाने का यंत्र होता है, वैसे उसको कुछ नहीं, वो बराबर आते हैं और फिर समय होने के बाद निकल भी जाते हैं। उनको बहिष्कार करने के लिए अभी जाओ ऐसा बताना नहीं पड़ता, ये निसर्ग का नियम है। ये निसर्ग का नियम कागज पर, कैनवास पर दिखाना ये बहुत बड़ी कला है, और ऐसे कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए, और जैसे मैंने कहा कि वसंत पंचमी के बाद वसंत ऋतु शुरू होता है, और वसंत ऋतु में स्वाभाविक तौर पर एक आनंद का ऐसा वातावरण बनता है, और इसलिए ऐसे आनंद के वातावरण में यह जो प्रदर्शनी की है, मैं संयोजकों को धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन भी करता हूँ। और ऐसे भी इतनी बड़ी संख्या, मुझे लगा कि खाली दीप लगाना है और जाना है, लेकिन चित्रकारों को भी प्रोत्साहन देने के लिए आप बड़ी संख्या में आए हैं, और मैं आपका भी अभिनंदन करता हूँ। और ये चित्र देखते देखते जो आपको आनंद मिलेगा, तो जो चित्रकला सीखना चाहते हैं उनको भी मुझे लगता है कि अलग अलग प्रकार के चित्र कैसे होते हैं वह देखने के लिए मिलेगा। और जो जाने माने इस प्रकार के चित्रकार यहाँ पर आए हैं, देखिए दो लोगों को इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल होता है। जो अच्छे गाने वाले होते हैं, ऐसे 6-7 गाने वालों को एक मंच पर लाना बड़ा मुश्किल होता है। उसी प्रकार जो अच्छे चित्रकार होते हैं उनको भी एक समय पर इकट्ठा लाना बड़ा मुश्किल काम होता है। और हम जैसे कहते हैं संस्कृत में, योजकस्तत्र दुर्लभ, इसका आयोजन करने वाले दुर्लभ लोग होते हैं। ऐसा जिन्होंने आयोजन किया है उनको मैं अभिनंदन देता हूँ, और आपको भी फूलों की मैंने बात की, हमारे राजभवन में भी आपको आने के लिए आमंत्रण देता हूँ। अब जो पुराने लोग हैं उनको मालूम है, लेकिन राज्यपाल बनने के बाद मैं आप सबको खुला आमंत्रण दे रहा हूँ कि राज्यपाल के दरवाजे आप सबके लिए 21 और 22 फरवरी को खुले होंगे, क्योंकि पुष्प प्रदर्शन हम बड़े पैमाने पर हुआ करने के लिए जा रहे हैं। तो आप ये चित्र देखिए और असली जो फूल है वहाँ का वातावरण का अनुभव लेने के लिए भी आप 21 और 22 फरवरी को जरूर आइए। मैंने भी कभी आपको आमंत्रण देना चाहिए, आप मुझे आमंत्रण देते हैं इसलिए मैं आ गया, तो मैं भी आपको आमंत्रण दे रहा हूँ, आप 21 और 22 फरवरी को जरूर देखने के लिए आइए। Thank you.
ऐसा है कि रोज के दौड़ धूप में इस प्रकार का चित्र प्रदर्शन देखते हैं तो कलाकार कितने अच्छे होते हैं और उनके कला का जो विषय है निसर्ग और निसर्ग के साथ ही साथ पक्षियों को उन्होंने यहाँ प्रदर्शित करने की कोशिश की। तो पक्षियों का जीवन कितना सरल सादा होता है और हम उसकी ओर जब देखते हैं तब भी मन में एक आनंद होता है। मुझे लगता है कि जो भी देखेगा उसको मन को समाधान मिलेगा और विशेषतः जिस समय पर यह आयोजित किया गया है, अभी अभी वसंत पंचमी समाप्त हुई है, वसंत ऋतु शुरू हुआ है और इसलिए फल फूल सब जगह पर आनंद आनंद और आनंद ही होता है। सर इनके साथ एक फोटोग्राफ खिंचा लें, ऐसे बर्ड के फोटो।